सलाम नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूँ सदक सदर मीटिंग एंड मोर से। आज आपके लिए लाई हूँ मिक्स्ड आलू सब्जी कैसे बनाते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आइए हम शुरू करते हैं। आज एक मीडियम प्याज लीजिएगा, उसको फाइनली स्लाइस करके आपने ऑयल में उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आप जो है, जब तक उसकी कलर ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता था, जब तक मतलब कि ब्राउन नहीं हो जाता अच्छे से, आपने मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, अच्छे से ब्राउन हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, साथ में मैंने गर्म चाय रखी है, मेरे साथ ज़रूर लाजमी गर्म गर्म चाय पीजिएगा। आइए हम वापस जाते हैं अपने प्याज की तरफ कि कितने हो गए हैं प्याज ब्राउन। प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट कलर हो रहे हैं, उसके बाद जो है हम जो है थोड़े से डार्क ब्राउन हो जाते हैं। तो एक गार्लिक क्लव डाला है चॉप करके, फाइनली चॉप करके एक गार्लिक क्लव। गार्लिक से ये क्या होता है कि एक सब्जी को आपकी एक इंटेंस टेस्ट दे देता है, और साथ में जो है वो गैस्ट्रिक जो होती है प्रॉब्लम कुछ लोगों को वो नहीं होती सब्जियों से। टमाटर लेंगे, टमाटर जो हैं अमेरिका में थोड़े से बड़े टमाटर थे तो मैंने 3 लिए हैं, अगर छोटे हैं तो 4 लें, और साथ में 4 जो हैं हरी मिर्ची ग्रीन चिलीज जो हैं आप ज़रूर ऐड करें। इस मसाले को मतलब कि टमाटर और प्याज को एक साथ जो है वो अच्छी तरीके से भूनना है। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, हम अपने मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। ऐड इस तरह करेंगे, मैं आपको बताती चलूँ कि नमक मैं थोड़ा ज़्यादा अपने हांडीज में डालती हूँ, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में कम थोड़ा सा जो फ्लेवर है ना नमक का वो थोड़ा सा कम है, तो इसी ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि फ्लेवर फिर आपको सालन में या हांडियों में नहीं मिलता। आइए अपने मसाले हम ऐड करें। हम अपने मसाले ऐड करेंगे, मैंने तकरीबन सॉल्ट जो है वो 2 चम्मच टीस्पून लिया है, वो भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, यू कैन पुट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट व्हाट हाउ मच सॉल्ट यू वांट इन योर फूड। एंड देन अब 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 ही टीस्पून जो है मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, और 1 ही टीस्पून जो है मैं 1 से 1.5 चम्मच जो है टीस्पून जो है मैं सीरा पाउडर डालूंगी। और ये जो है ये ब्लैक पेपर में है और रेड क्रश चिलीज में बनी है, नॉट द रेड पाउडर चिली। अभी 1 टीस्पून जो है रेड क्रश चिलीज डाली है, और 1/2 टीस्पून ऑफ जो है मैं ब्लैक पेपर डालूंगी, फ्रेशली ग्राउंडेड, मतलब कि मैंने खुद घर में पीसी है इसको, डू नॉट यूज द पाउडर। और इस सब्जी को मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और बड़े लोग पसंद करते हैं। ये ब्लैक पेपर में बनती है, जितनी ये ब्लैक पेपर एंड रेड क्रश चिलीज में अच्छी बनती है उतनी लाल मिर्च पाउडर में नहीं बनती अच्छी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इट्स रियली टेस्टी। अभी मैं एक मैगी क्यूब डाल रही हूँ, अगर आपके पास मैगी क्यूब नहीं है डोंट वरी, आप ना डालिएगा, इट्स जस्ट कि मैं डालती हूँ अपने खानों में। और जो है वेजी क्यूब भी मिलती है, आप वो भी डाल सकते हैं। साथ ही में है 2 से 3 टेबलस्पून जो है योगर्ट डालती हूँ, योगर्ट के साथ जो है खाना जो है आप खाने में डालते हैं तो इट गिव्स यू अ रियली गुड टेस्ट, स्मूथ जो एक टेक्सचर होता है ना वो आपको योगर्ट से मिलता है। साथ में इसको अब अच्छी तरह हम भुनेंगे, अच्छे तरीके से इस हांडी को जो है ना आपने भूनना है। भूनते हुए उसके बाद जो है हम अपने मटर जो है वो लेंगे। मटर यहाँ पे एक्चुअली मिलते हैं बट कभी नहीं मिलते हैं, इट्स लाइक कभी बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल होता है, तो इसलिए मैं फ्रोजन मटर लेती हूँ, चिकन और कैरेट यहाँ पे एज यूजुअल इट्स रियली हार्ड टू फाइंड इन फिलाडेल्फिया USA रेड कैरेट, तो मैं हम लोग ऑरेंज कैरेट यूज़ करते हैं, अगर आती भी हैं तो वो सेल आउट हो जाती हैं, लोग ले जाते हैं एंड देन आना बंद हो जाती हैं समहाउ बिकॉज अमेरिका इतना बड़ा है, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। हमें गाजर और मटर मैंने इसलिए पहले डालें क्योंकि गाजर और मटर को थोड़ा सा नरम हो जाएं, क्योंकि आलू थोड़े से जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो क्रंची क्रंची टेस्ट रहे, बच्चे थोड़ा सा क्रंची क्रंची से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। सो आई ऑलवेज पुट जो है मैं अपने खानों में हमेशा जब भी बनाती हूँ ऑलवेज पुट माई चिल्ड्रन इन माइंड बिकॉज आई वॉन्ट टू फीड माई चिल्ड्रन गुड एंड हेल्दी फूड। सो अभी मैंने आलू डाले हैं, ये तकरीबन हैं 5 से 6 छोटे आलू हैं, तो
तो यू कैन पुट अराउंड 3 to 4 पोटैटोज, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग टू अपने जितनी भी गैदरिंग है, मसाला उतना ही सही रहेगा, नॉट टू वरी। और अगर कम भी हो जाता नमक मिर्च जो आप ऊपर से भी डाल के आप जो है कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अभी जो है मैं इसको जो हूँ मैं अच्छी तरह भूनूंगी, इसके बाद आप कलर देख रहे हैं, इट्स अ रियली फैंटास्टिक कलर, आई रियली लव दिस, मुझे ये मेरे घर में बहुत खाई जाती है। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, जस्ट 1/4 कप ऑफ वाटर, सिर्फ जो है आलू गल जाए मेरे, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है कि पानी ड्राई हो जाता है मसाला एंड यू नो लगना शुरू हो जाता है, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट कि आलू गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी सी हो जाए मेरे हाँ खाने में, विच इज़ मेरे को बहुत अच्छा बनता है। प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड नॉट टू वरी, पूरी जो रेसिपी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है नीचे, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सी इट। और ये मैंने बिल्कुल हल्की आंच में रख दिया है, खाना तैयार हो चुका है। खाना तैयार होने के बाद मैंने कसूरी मेथी लेकर उसको क्रश करके थोड़ा सा अपने हाथों से वो डाल दी है एंड में, एंड दिस इज़ द टेक्स्चर, दिस इज़ द कलर, दिस इज़ द फाइनल लुक दैट इट इज़। So please don't forget to subscribe, like and comment, and please share it. Share my video as much as you can. मैंने धनिया के साथ इसको गार्निश कर दिया है, यू कैन गार्निश इट विथ ग्रीन चिलीज एज वेल। आप हरे प्याज के साथ भी करना बहुत मज़े का लगता है। सो गाइज थैंक सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।